यहाँ लोनी कट्रोनिका सिटी इलाके में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। घर में ही बाप बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। 8 साल के बेटे और 35 साल के पिता की हत्या के बाद पूरे इलाके में दहशत है। वारदात के पीछे लूट की आशंका जताई जा रही है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में हत्या, पिता और पुत्र की, पिता की उम्र 35 साल थी, बेटे की उम्र 8 साल। पूरे इलाके में लोग दहशत में। हत्यारों की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। डबल मर्डर से सनसनी फैली हुई है गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में। कासिम विहार इलाके में पिता और बेटे की हत्या कर दी गई। पिता की उम्र थी 35 साल, बेटे की उम्र थी 8 वर्ष। पुलिस के सामने चैलेंज हत्यारों की तलाश का, लेकिन लोग दहशत में। सनसनी फैली हुई है पूरे इलाके में इस डबल मर्डर से। गाजियाबाद से खबर, कासिम विहार इलाके में पिता और बेटे की हत्या। और दिल्ली पुलिस की ओर से आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में अलर्ट है। और इसी बीच अयोध्या के कैंट थाना इलाके में स्थित परिक्रमा मार्ग के किनारे ड्रोन मिला है। और अब इस मामले में ही कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे जांच शुरू कर दी गई। वहीं आतंकी हमले की साजिश का खुलासा होने के बाद मिले ड्रोन को लेकर अयोध्या में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। यहां जगह जगह चेकिंग शुरू हो गई अयोध्या में। अयोध्या कैंट इलाके में ड्रोन मिलने का मामला है और उसमें FIR दर्ज की गई है। कैंट थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और जगह जगह चेकिंग अभियान चल रहा है। पुलिस आगे की जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। ड्रोन मिलने के बाद हाई अलर्ट घोषित अयोध्या में। संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हुई प्रदेश में और उसके बाद ड्रोन मिला अयोध्या में। क्या सीधा दिल्ली चलते हैं अविनाश तिवारी के पास। अविनाश शाह, एक साथ ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिससे पुलिस का या सुरक्षा एजेंसियों का अलर्ट पे आना बहुत स्वाभाविक है और वो अलर्ट पर हैं भी। लगातार सघन चेकिंग अभियान अयोध्या में भी चलाया जा रहा है। कई जिलों की पुलिस उत्तर प्रदेश में अलर्ट पर है। और अभी आपने जो बात की केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से, उन्होंने भी साफ किया है कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा और लगातार कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है दिल्ली पुलिस का और उत्तर प्रदेश ATS का। अविनाश, लेकिन उन्होंने एक बात कही कि आज भी एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया, उस बारे में आपके पास क्या जानकारी है? जी देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो बहराइच से ये संदिग्ध आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया, जिससे अभी पूछताछ चल रही है। क्योंकि ये जो 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, इनसे पूछताछ करके तमाम सारे इनपुट को जुटाया जा रहा है। और इसीलिए तमाम सारे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, खासतौर से अगर बात करें गृह मंत्रालय, तमाम सारे देश की जितनी भी सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनको चौकस कर रहे हैं कि वो अपने अपने इलाकों में और अपने अपने दायरे में आने वाले तमाम सारे सीमाओं को अच्छी तरीके से जाँचें और ये देखें, सुनिश्चित करें कि कोई भी आतंकवादी अपने मंसूबे पर कामयाब ना होने पाए। बहराइच से जिस युवक की गिरफ्तारी हुई है उससे UPATS पूछताछ कर रही है और उससे पूछताछ की जा रही है कि किस तरीके से वो ये तमाम सारे आतंकवादी थे, इनके संपर्क में था और क्या कुछ जो है उसके आगे का प्लान था। अभी फिलहाल जो अगर बात करें तो लगातार और भी कई जगह दबिश देने की तैयारी चल रही है दिल्ली पुलिस की और UPATS की, क्योंकि जो 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं इनके कई सारे रहनुमा, कई सारे स्लीपर सेल, कई सारे मददगार अभी भी भारत के अंदर मौजूद हैं और ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे थे भारत के अंदर, तो लिहाजा कौन कौन लोग इनके संपर्क में थे, इन तमाम सारी चीज़ों की जाँच में गृह मंत्रालय और इसके साथ साथ खुद खुफिया एजेंसी IB यानी कि इंफॉर्मेशन जो अगर बात करें तो जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB, वो भी लगातार इस तमाम सारे मसले पर लगा हुआ है और पूछताछ कर रहा है कि आखिर किस तरीके से भारत के अंदर इन लोगों के जो तमाम सारे जो सहयोगी हैं वो मौजूद हैं और क्या इनका आगे का प्लान था। क्योंकि जिस तरीके से आने वाले दिनों में त्यौहार है, अयोध्या के अंदर एक बड़ा आयोजन होना है, दीपोत्सव की तैयारी चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस दीपोत्सव में शिरकत कर सकते हैं, ऐसी तैयारियां वहां पर चल रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है तो वहां पर स्थिति किसी तरीके से खराब ना हो, इसको लेकर ये तमाम सारी जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरीके से अब चौकस हो गई है। क्योंकि आप देखिए जो 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं इनमें से 3 उत्तर प्रदेश के हैं और उत्तर प्रदेश के बहराइच से भी आज एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। बाकी और इनके सहयोगियों की तलाश उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ जारी है। UPATS लगातार दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है और दिल्ली पुलिस भी लगातार इंटेल साझा कर रही है। गृह मंत्रालय खुद तमाम सारी स्थितियों पर अपनी पैनी नजर बना के रखा हुआ है और लगातार इनपुट ले रहा है तमाम सारी राज्य की एजेंसियों के साथ भी और केंद्रीय एजेंसियों के साथ भी और एक दूसरे एजेंसियों को इनपुट साझा भी किया जा रहा है। तो यहीं से इस बात की गंभीरता को समझा जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अविनाश, इन तमाम जानकारियों के लिए।